सबको जय जीशु। जय जीशु। मन्यावर बिशप स्वामी, आज यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय पुरोहित भाइयों और धर्म बहनों, सभी एससीसी के विश्वासी भाइयों और बहनों, विशेष करके टंगलापल्ली के एससीसी संत मरियम मग्दलेना की डाल के ख्रिस्त भक्त विश्वासी भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को मैं टंगलापल्ली के स्थित एससीसी के सदस्य मिसेस तेजी के ओर से हार्दिक सुस्वागतम और जय जीशु। जय जीशु। मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे धर्म प्रांत के एससीसी अथवा लागू ख्रिस्तीय समुदाय को अगुवाई करने वाले पूज्य फादरगण और तेजपुर डायसिस के एससीसी कमीशन के सभी सदस्यों को और धर्म बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये जो विनती के कार्यक्रम को विशेष करके ईश्वर का वचन को बाइबल पाठ के द्वारा फैलाने का मौका विनती प्रार्थना से अगुवाई की गई है और हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आइए हम सभी ख्रिस्तीय भक्त लोग आज इस विनती प्रार्थना को अंजलुस विनती के द्वारा कपाल जीशु, हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रणाम मरिया, पूर्ण पुत्री शाखा क्रिस्तियों में, अब ने तेरे गर्भ का फल जीशु, हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। और सब देवाना प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु शाखा अति स्त्रियों में, अब नया तेरे गर्भ का फल जीशु, हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्ग दूत के द्वारा तेरे पुत्र ख्रिस्त का देह धारण जान लिया, हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। यह समय पवित्र समय है, क्योंकि प्रभु यीशु अपने बाइबल वचन के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। प्रभु ने कहा है, जहाँ एक या दो मेरा नाम में एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। प्रभु यीशु का इस आह्वान को सुनकर हम उनके नाम में यहाँ उपस्थित है, उनको आराधना करने के लिए, उनके वचन को सुनने के लिए और उनकी महिमा करने के लिए। आइए फिर से हम प्रभु यीशु को, उनकी उपस्थिति को हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे दिल में अनुभव करें एक वीडियो नृत्य के द्वारा।
फिर से आप सबों को एक बार जय जीसु। आप सबों को जय जीशु। जय जीशु। मैं विजय कुमार मिंज टांगला पारिस के रहने वाला हूं और एसीसी के एक सदस्य हूं। अभी मैं आज का पवित्र सुसमाचार पढ़ने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पाठ का जो शब्दों या अनुच्छेदों चुनाव करें जो आपको अच्छा लगे। संत योहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15 तक। इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात तिबरियास के समुद्र के उस पार गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारियों के लिए करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपने आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से
रोटियां खरीदी। उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेत्रुस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जाओ कि 5 रोटियां और 2 मछलियां है, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों के संख्या लगभग 5,000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टुकड़े भरे, जो लोगों के खाने के बाद जो कि 5 रोटियों से बच गए थे। लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वे नबी है जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसीलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हम लोग अभी थोड़ी समय मौन रहे और जो वचन हम लोगों ने सुना है उनका ऊपर मनन चिंतन करें। सबों को जय यीशु। मैं मिरांडा पूर्ति टंगला पारिस की एसएससी ग्रुप की एक सदस्य हूँ। आज की इस प्रार्थना सभा में जो सुसमाचार पढ़ी गई उससे मैं एक वाक्य चुनती हूँ। वो इस तरह है, लोग बैठ गए, लोग बैठ गए। इस वाक्य में मैं समझ पाई कि लोग यीशु के वचन सुनने के लिए बहुत दूर से और अपना पूरा समय निकाल के वे लोग बैठकर यीशु के वचनों को घंटों सुना करते थे। पर मैं जब अपने को सोचती हूँ तो मेरे पास इतने टाइम नहीं है। मैं अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ और यीशु के वचनों को सुनने या पढ़ने के लिए बहुत कम समय निकल पाती हूँ। हम सुसमाचार में सुनते हैं मार्था और मरियम के विषय में। यीशु कहते हैं मरियम से, मरियम तुमने अपने लिए बहुत अच्छा काम चुना है, क्योंकि मरियम हमेशा यीशु के वचनों को सुनने के लिए तैयार रहती थी। इसी वाक्य के आधार पर मैं अपने जीवन में घटित एक घटना आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। इसी मई महीने की बात है। हम लोग रोज़ मई महीने में रोजरी बिनती करते हैं। इसी तरह जब महीना ख़त्म हुआ तो हम रोजरी भी छोड़ दिए।
और जून महीना के शुरू में भी हम लोग शुरू नहीं किए रोजरी, और जून महीना के एक तारीख की रात मैंने सपने में देखा कि एक बुरा आदमी हमारे घर आया और उसको मैंने और मेरे साथ कई लोगों ने एक बड़ी सी रोजरी लेकर बांध रहे हैं। इस सपने को देखने के बाद मैंने अपने पति को बताया कि हम रोजरी प्रार्थना रोक देने के कारण मुझे यह सपना मिला, और उसी दिन से हम रोज फिर से रोजरी प्रार्थना शुरू किए और अभी भी कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों से यह विनती करना चाहती हूँ कि हम भी अपने जीवन में यीशु को ना छोड़ दे, उसके वचनों को सुनने या पढ़ने ना छोड़े, दिन में कम से कम थोड़ी सी समय निकल कर भी यीशु के वचनों को सुने और पढ़े, और पढ़कर उनको समझने की कोशिश करें। मैं आज यही बोलकर समाप्त करती हूँ। जय यीशु। সকলকে জয় যীশু। আজি মই টংলা পাৰিছৰ অন্তৰ্গত থকা ডন বস্কত আমি এচিচি এচিচিৰ মই এজন সদস্য, আৰু মোৰ নাম শ্ৰী ৰূপমল দৈমাৰী। মোৰ গাঁওখন হ'ল নিচুপ্ৰবাৰী কেটলি মন্দুৰী। আজি মই সন্ত জোহনৰ শুভবাৰ্তাৰ পৰা ছয় অধ্যায় একৰ পৰা পোন্ধৰ পদসংখ্যাৰ ভিতৰত এই নৌ পদটো মই বাছনি কৰি লৈছোঁ, কাৰণ এই বাক্যটিয়ে মোৰ অন্তৰাত্মাক ছুঁইছে বা অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে। বাক্যটি হ'ল, এজন সৰু ল'ৰাৰ হাতত পাঁচোটা পিঠা আৰু দুটা মাছ আছিল। বাক্যটি আছিল পাঁচোটা ৰুটি আৰু দুটা মাছ। এই বাক্যটিৰ পৰা মই আজি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিছোঁ যে ঈশ্বৰৰ কাৰণে একো সম্ভৱ নহয়। ঈশ্বৰে আমাক বহুত জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন, শিক্ষা বহুত মানে আমাক দিছে, কিন্তু এই শিক্ষাবিলাক আমি তথা ঈশ্বৰৰ বচনক আমি সদব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা ঈশ্বৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ আমি কৰিব লাগে। আজি যেনেকৈ ল'ৰাটোৱে পাঁচোটা পিঠা বা দুটা মাছেৰে যদি পাঁচ হাজাৰ মানুহক যেনেকৈ খুৱাইছিল, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ জীৱনতো, মোৰ জীৱনতো ঈশ্বৰৰ পৰা পোৱা যিখিনি আশীৰ্বাদ, সেইখিনি আশীৰ্বাদটো মই অন্যৰ কাৰণে যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, অন্যৰ মংগলৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু যাতে আমি ঈশ্বৰৰ বচন অনুসৰি নিজৰ গাঁও, নিজৰ মণ্ডলী, নিজৰ দুখীয়া, নিজৰ ঈশ্বৰত ওচৰ চুবুৰীয়া দুখীয়া দৰিদ্ৰসকলক আমি কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ, আৰু তেখেতসকলক তেনেকৈ মানে ঈশ্বৰ ৰাজ্যলৈ আমি আগুৱাই আনিব পাৰোঁ, সেইটো মোক ঈশ্বৰে মানে এই বাক্যটিয়ে মোক প্ৰেৰণা যোগাইছে, আৰু সেই হিচাপে মই এই বাক্যটি মই
এটি বচন হিসাবে এটি মোর কো করবলগিয়া কাম হিসাবে মই বাছি লৈছো। জয় যীশু, জয় যীশু। আপ সবক জয় যীশু, জয় যীশু। টাংলা পাল্লি কে এসএসসি সদস্যং কে এক ছোটি সি রিপোর্ট হাম দেনা চাহতে হ্যাঁ। হালাকি হামনে জ্যাদা কুছ নাহি কর পায়ে, লেকিন কোশিশ তো জরুর কিয়ে থে, জিসে হাম আব তক পৌঁছানা চাহতে হ্যাঁ। 2014 মে হামনে এসএসসি প্রার্থনা কো হর এক খ্রিস্তিয়া পরিবার মে করনে কে লিয়ে প্রারম্ভ কিয়ে থে। হামারি পল্লী পুরোহিত স্বর্গীয় ফাদার মাইকেল হেংরা নে হামারে টাংলা পারিস কে এসএসসি কে সদস্য রাজডোনাল মুসাহারি আর বিজয় মিঞ্জ কো 2014 মে তেজপুর ডাইসিস মে টন লেনে কে লিয়ে ভেজ দিয়ে থে। উস সময় সে হামনে এসএসসি প্রার্থনা মে ধ্যান দিয়ে থে আর বহুত অচ্ছি তরহ সে প্রার্থনা চল রহি থি। লেকিন স্বর্গীয় ফাদার মাইকেল কে জানে কে বাদ কুছ দিন ইয়া अचानक से कुछ असुविधा। पहला रिपोर्ट, टांगला कॉलोनी के एसीसी के सदस्य लोगों ने जनता की सेवा के लिए रास्ते में बिखरे हुए पत्थरों को हटाकर सफाई किए थे ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा रिपोर्ट, एक असहाय व्यक्ति जिनका नाम फ्रांसिस मिंज, उनके घर उजड़े हुए थे और आने में भी टांगला कॉलोनी के सदस्य लोगों ने मदद किए थे। तीसरा रिपोर्ट, घर घर में एसएससी प्रार्थना जारी रखने के लिए भी प्रस्ताव लिए थे और उसे लगातार करने में सफलता भी प्राप्त किए थे। कोरोना महामारी की वजह से हमारे प्रार्थना को स्थगित रखना पड़ा, पर इस समय भी हम अपने अपने परिवारों में प्रार्थना से जुड़े रहे। लेकिन जैसे ही इस महामारी का समय अंत होंगे, वैसे ही हम फिर से इस आरंभ करने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। फिर से सबों को जय जीसु। सबों को जय जीसु, जय जीसु। मैं टंगला पाली के असिस्टेंट प्रचार हूँ। मेरा नाम जॉन धान है। संत जोहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या, लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही या वो नबी है जो संसार में आने वाले हैं। क्रिस्ट में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने अपने में ईसा को, इसलिए ईसा ने मुझे बहुत कृपा दिए हैं।
प्रतिदिन काम शुरू करने के पहले मैं ईशा से निवेदन करता हूँ कि वो मेरे साथ रह जाए, ताकि जो भी काम मैं शुरू करूँ उसको वो बुद्धि दे। मैं अपने जीवन में अनुभव किया कि ईसा मेरे साथ होने के कारण लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से बातें करते तथा देखते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझ में ईश्वर की कृपा बनी रहती है। यह मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव है, इसलिए मैं ईश्वर को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वो नबी है जो संसार में आने वाले हैं। पर अब तक बहुत से लोग ईसा को नबी स्वीकार नहीं किए हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य होता है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, ताकि वे ईसा पर विश्वास करें तथा उन सबों के लिए प्रार्थना करूं जो अब तक ईसा को नहीं जानते हैं। आखिर में मैं आप लोगों को लिए दो प्रश्न रख रहा हूं। पहला, आज के सुसमाचार द्वारा आपको क्या करने के लिए बुला रहे हैं? पहला, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपको क्या करने के लिए बुला रहे हैं? दूसरा, कौन सा छोटा काम आप आज या कर सकते हैं? दूसरा, कौन सा छोटा काम आप आज या कल कर सकते हैं? अब हम दया की माला विनती करेंगे। इसमें हम उन सभी मतलबों को रखते हैं जो कोई भी करोना वायरस के वजह से इस दुनिया से चले गए हैं तथा संक्रमित हुए हैं। हमारे बिशप स्वामी की अच्छा स्वास्थ्य और उनकी चंगाई के लिए भी हम मतलब रखते हैं तथा सारी दुनिया की सारी संसार की शांति के लिए भी हम इस समय मतलब करते हैं और उनके लिए निवेदन करके हम दया की माला विनती बोलते हैं। दया की माला विनती। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में न डाल परंतु भले से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्या तू स्त्रियों में और धन्या तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजन हर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और सुशलते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पाड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया,
पोंतियुस पिलातुस के समय दुगुचाया क्रूस पर ठोंका गया, मार गया, डर गया, निम्बुस मुद्रा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान तथा परमेश्वर की दहने और बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों का विचार करने का आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कत्री कलिसिया धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा देह और फिर जी उठना और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारी और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर
और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर। परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से संघय और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें आनंद जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लोहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारियों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और सहृदय के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दुर्गामी हाल निकाल सके। जो संक्रमित हैं उन्हें चंगाई प्रदान कर। जो चिंतित है, निराश और अवसाद है, उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र माँ मरिया, कलिसिया और पूरे विश्वास की माता, हम सारी दुनिया को विशेष कर हमारे धर्मदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रह,
हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, अपराध उबरे से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साधन्य स्त्रियों में और धन्या तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाई हुए, जैसे वो आदि में थी अब है और अनंत तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम विशेष रूप से इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आज हम हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, और विशेष रूप से हमारे डायसिस के मान्यवर माइकल कासियस, सभी फादरगण, सिस्टरगण और जितने भी आज इस शुभ दिन पर ऑनलाइन में हमारी प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, उन लोगों को विशेष करके आशीष प्रदान कर, ताकि इस समय में, इस महामारी के समय में सब कोई आपको जाने, आपको विश्वास करे और आपकी पूजा करते रहें। यह हमारे प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।
सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं टंगला पारिस के एसएससी के सदस्य जोनी क्रिकेटर। सर्वप्रथम मैं और आप लोगों की ओर से ईश्वर को सारे तन मन और हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज हमें इस सुंदर नया दिन और सुअवसर प्रदान किया है कि हम सब एकजुट होकर उनकी वचन सुने और मनन चिंतन किए। यह हमारे लिए सौभाग्य और सुनहरे अवसर है कि हमारे तेजपुर डायोसिस के धर्माध्यक्ष मान्यवर बिशप स्वामी माइकल अकासियस को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके तेजपुर डायोसिस के एसएससी कमीशन के सभी सदस्य को और एसएससी संचालक फादर हिपोलिटस टोप्पो को टंगला पारिस की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे टंगला पाली के सभी फादरगण, हमारे पल्ली पुरोहित फादर मार्कुस, फादर रंजीत और फादर जेरेमियस को भी हम धन्यवाद देते हैं। इस एसएससी प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए हमें सुअवसर प्रदान किया है। आज के छोटा क्रिस्तीय समूह के कार्यक्रम को अगुवाई करने वाले एसएससी के सभी सदस्य मिसेस तेजी, मीरापूर्ति, विजय मिंज, जॉन धान, रूपमल और जूनी क्रिकेटा, उनकी अगुवाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और अन्य जितने भी लोग इस कार्यक्रम का संपन्न करने के लिए सहायता किए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में आज के इस एसएससी प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले सभी विश्वासी भाइयों और बहनों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह हम अपने विश्वास में हमेशा दृढ़ रहे और सदा यीशु मसीह का सच्चा अनुयायी बनकर उनकी सदा गुणगान करें। आज के प्रार्थना सभा में भक्ति नृत्य करने वाली बहनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। अंत में फिर से एक बार आप सभी को जय यीशु और धन्यवाद।